खांजूर में धान खरीदी केंद्र में फड़ मुंशी नियुक्ति को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों की मांग है कि स्थानीय लोगों को फड़ मुंशी का काम दिया जाए। बांदी लैंपस के अंतर्गत रेंगवाही धान खरीदी में केंद्र प्रभारी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय लोगों को फड़ दिया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय किसानों को फायदा मिल सके। गौरतलब है कि सहकारी समिति के सीईओ द्वारा फड़ वितरण लिस्ट जारी की गई, जिसमें दिलीप बैरागी को मुंशी बनाया गया है, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह नियुक्ति गुपचुप तरीके से की गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण फड़ मुंशी नियुक्ति के विरोध में बांदे लैंपस पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बीते वर्ष की धान की राशि किसानों को अब तक नहीं मिली है। फड़ मुंशी ने किसानों के साथ ठगी कर उनकी जेब भरी है, जिसके चलते ग्रामीण इस बार बाहरी व्यक्ति को फड़ देने से नाराज हैं। हम लोग आए हैं, हमारे उधर जो अस्थायी फड़ी चल रहे हैं अभी तक, वो अस्थायी फड़ी में जो फड़ी मुंशी हर साल नियुक्ति किया जा रहा है। कौन सा जगह का? रेंगाबाई फड़ी में वहाँ जो फड़ी मुंशी नियुक्ति किया जा रहा है, उनके फड़ी मुंशी द्वारा किसानों को परेशानी और शोषण होते जा रहे किसान, जिस कारण हम लोगों ने चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का कोई अच्छा आदमी जिसको हम लोगों ने चयन करके लाया, जैसे कि अभी हम लोगों ने बासु को चयन किया है। बासु को ही हम लोग फड़ी मुंशी के रूप में चाहता है वासुदेव मंडल। बाकी दूसरा जो समिति ओर से या तो यहाँ शासकीय ओर से जो चयन करके भेजता है, वो अपना मनमानी करके किसानों को शोषण करके किसानों को परेशान करके चले आता है। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए आई एम ए कोरोना सोल्जर .com पे रजिस्टर करो। मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।